बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है। किसान संगठनों की अगली बैठक अब 27 नवंबर को होगी। किसान कैबिनेट मीटिंग का करेंगे इंतजार, कल लखनऊ में होगी किसानों की महापंचायत। 26 नवंबर को सभी बॉर्डरों पर जुटेंगे किसान, पीएम को किसानों की ओर से पत्र लिखा जाएगा, किसानों के लंबित मांगों के बारे में पत्र लिखा जाएगा। कल लखनऊ में किसानों की महापंचायत होनी है, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। 26 नवंबर को सभी बॉर्डरों पर जुटेंगे किसान, पीएम को किसानों की ओर से पत्र लिखा जाएगा, किसानों के लंबित मांगों के बारे में पत्र लिखा जाएगा। चंगा कदम चक्के पर स्वागत। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है, किसान संगठनों की अगली बैठक अब 27 नवंबर को होगी। किसान कैबिनेट मीटिंग का इंतजार करेंगे, कल लखनऊ में होगी किसानों की महापंचायत। 26 नवंबर को सभी बॉर्डरों पर जुटेंगे किसान, पीएम को किसानों की ओर से पत्र लिखा जाएगा, खत लिखेंगे किसान प्रधानमंत्री के नाम, किसानों के लंबित मांगों के बारे में ये खत लिखेंगे किसान, बताएंगे कि लंबित मांगे हैं। केवल 3 कृषि कानून वापसी नहीं मुख्य मुद्दा हमारा जरूर था, लेकिन हम एमएसपी पर भी चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने। हम चाहते हैं कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं या जिन हम किसान भाइयों को हमने खो दिया है, उनको लेकर भी आप हमारी मांग सुने। ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से, वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे, हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी, और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे रहेगा। उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की, जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पर फैसला लिया जाएगा। ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी, जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पर भी चर्चा होगी, उसके बारे में भी लिखा जाएगा। और पराली वाला कानून जो है उसके बारे में भी लिखा जाएगा, जो अभी तक सारा पेंडिंग है। लखमीरपुर खेड़ी कांड के बारे में भी लिखा जाएगा, और जो मंत्री जी इन्वॉल्व हैं उस केस में, उनको मंत्री पद से हटाने के लिए मांग करने के लिए भी लिखा जाएगा। आंदोलन के दौरान सभी राज्यों के किसानों के खिलाफ जितने केस दर्ज किए गए हैं वो वापस करवाने के लिए लिखा जाएगा, डीजल की कीमतें कम करने के लिए लिखा जाएगा। चंगा कदम, पीएम को किसानों की ओर से पत्र लिखा जाएगा और उनकी लंबित मांगों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले किसान जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार इनकी कैबिनेट बैठक हो जाए, कैबिनेट मीटिंग का ये इंतजार कर रहे हैं। कल लखनऊ में किसानों की महापंचायत होगी, 26 नवंबर को सभी बॉर्डरों पर जुटेंगे किसान। तो जो कॉल था किसानों को 26 नवंबर को सीमाओं पर बुलाने को लेकर, वो कॉल अभी भी जो कत्यों हैं। 27 नवंबर को एक और बैठक होगी किसान संगठनों की, ये अगली बैठक होगी। पीएम को एक खत लिखेंगे, बताएंगे अभी भी लंबित मांगे हैं, हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं और हम चाहते हैं कि आप इन पर भी गौर फरमाएं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए। स्वामेंद्र, एक बार फिर स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैबिनेट मीटिंग का इंतजार मतलब क्या? देखिए, देश जो है संसदीय प्रणाली चलता है, और आपने देखा कि पीछे प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया गुरुपुरब के दिन, वो भी बयान संसदीय प्रणाली का एक हिस्सा ही होगा।
और जब इन मुद्दों को लेकर कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री बुला रहे हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि 27 तारीख को वो क्या करने जा रहे हैं, उस बात के ऊपर ही जो है हमारी आगे की रणनीति तय होगी। 26 नवंबर को आप सीमाओं पर बुला रहे हैं तमाम किसानों को, ये कॉल हालांकि आप लोगों ने पहले दिया था लेकिन कानून वापसी की बात सामने आ जाने के बाद भी 26 नवंबर को इकट्ठा हो रहे हैं आप लोग? वो देखिए, एक साल हो जाएगा किसानों को दिल्ली की दहलीज पे बैठे हुए और सरकार द्वारा कोई संतोषजनक जवाब ना मिलना, इसके ऊपर एक चर्चा जरूर होनी चाहिए। और किसान जो है 26 नवंबर की घटना को याद रखते हैं और 26 नवंबर को किसान जो है दिल्ली आएंगे और बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा इन कानून को वापस लेने की बात कही है, साथ ही उन्होंने कहा कि ये कानून दीपक की प्रकाश की तरह पवित्र है, पर कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। हम बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने देखिए, ये कुछ है कि पूरे भारत के किसान है, लाखों की तादाद में, मैं समझता हूँ कि करोड़ों की तादाद में दिल्ली की ओर किसान आएगा, उनका ये कुछ का भ्रम जो है उसको तोड़ने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और किसान लाभान्वित। क्या ये जरूरी है, क्योंकि आपको तो कानून वापसी चाहिए थी ना, संवैधानिक तरीके से वापस लेने के लिए वो राजी हो गए हैं, तो अब ये जरूरी है कि अब एक एक बात को पकड़ा जाए? नहीं नहीं, बात नहीं पकड़ी जा रही, बात ये आधी अधूरी बात कहना देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। उन्हें मालूम है किसान किन मुद्दों को लेकर आए हैं। आपको याद होगा की वार्ता जब हो रही थी, उस वार्ता के अंदर चार बातें प्रमुख तौर पर किसानों ने कही कि आप शुरुआत कीजिए। उनमें से जो कृषि मंत्री जी ने कहा कि किसानों ने दो बात मान ली, एक एनजीटी का बिल और एक आपका बिजली का बिल, इन दोनों संशोधन किए गए कानून है, हम उसे वापस लेंगे। आप वो दिन है और आज का दिन है, 22 जनवरी से लेकर अब तक वार्ता बंद है, क्या वो बिल वापस दे दीजिए? किसानों ने कहा था एमएसपी पर तेज की गारंटी का कानून लाया जाए, क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम? एक वर्ष हो गया, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री, तो आप लोग प्रधानमंत्री को जो खत लिखने वाले हैं उस खत में यही सब होगा या कुछ और भी, क्या लिख रहे हैं? प्रधानमंत्री को तमाम बातें वो याद दिलाने लगे हैं हम लोग, जैसे जो उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा में भी कही थी और जब वो खुद एक मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मनमोहन सिंह को जो पत्र लिखा था उस पत्र का रिविजन को किया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप तो 2013 से ये बात कहते आ रहे थे कि एमएसपी किसानों का अधिकार है, किसानों को मिलना चाहिए, और आप अपने भाषणों में भी कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। आज आपको क्या हो गया, क्या चुनावी रण देखकर आप डर गए हैं? आपने जो कानून, आपने जो देखा कि पीछे जो इलेक्शन हुए थे बंगाल का हो या उपचुनाव हो, उसमें जो किसान ने दवाई दी है, क्या उस दवाई का ज्यादा असर हो गया है? क्या आपकी इस दवाई से ज्यादा कमजोर पड़ती है? तमाम ये बातें हम उनसे पूछेंगे कि आपको याद है कि नहीं, अगर नहीं तो हम फिर दोहरा देते। ठीक है, तो ये पत्र कब भेजने वाले हैं? ये पत्र जो उनकी 27 तारीख की जो मीटिंग है उसको देखकर उन्हें पत्र भेजा जाएगा, ड्राफ्टिंग हमने लगभग तैयार कर ली। ठीक, जब तक ये ऐलान नहीं हुआ था कि कानून वापसी ले रही है सरकार, प्रधानमंत्री ने जब तक ये बयान नहीं दिया था, आप लोग संसद घेराव की भी बात सोच रहे थे, अभी उस पर कायम है? देखिए, संसद घेराव नहीं, संसद में जाकर किसान अपनी चर्चा करेगा, अभी भी करेंगे, अभी भी चर्चा होगी। जो हमारे फैसला कार्यक्रम है वो वैसे ही रहेंगे। 22 तारीख को ऐसा क्यों लग रहा है कि सर ऐसा क्यों लग रहा है कि एमएसपी समेत तमाम जो दूसरी मांगे हैं या कृषि सुधार के दिशा में और जो काम करने हैं उसे लेकर जिस कमेटी का जिक्र पीएम ने किया कि हम इस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं है और इसी भरोसा ना होने की वजह से आप लोग ये कदम उठा रहे हैं? मैं याद दिला देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी खुद बोलते हैं कि बड़ी बड़ी चुनावी बातें प्रधानमंत्री कह जाते हैं, क्या वो सारी बातें संभव हो सकती हैं? ये जुमला था, वो 15 लाख भी जुमला था, 2 करोड़ की बात भी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना वो भी जुमला था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, आपकी मांग पूरी हो गई वहां पर भी, अभी आपको जुमला ही नजर आ रहा है सर, मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्या किसानों का पक्ष कहीं एक कोने पे आके थोड़ा हार्श नहीं हो गया? नहीं, हम हार्श, आप बताइए, जब कोरोना काल जैसी महामारी के समय संसद भवन का विशेष सत्र बुलाकर कानून लागू किए जा सकते हैं, क्या आज 700 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी आंदोलन के अंदर? लखीमपुर खीरी जैसी घटना आपने देखी, देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी और उनके बेटे द्वारा किसानों को कुचल दिया जाना,
प्रेस मीडिया कर्मी को कुचल दिया जाना क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता? चलिए जवाब ले लेते हैं। भरत भूषण हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। भरत जी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद आपको। आप सुन रहे थे अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाकियू के स्वामी इंद्र को। भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री की बात पे, जुमला ही लग रहा है जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक भरोसा नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए स्वामी इंद्र जी मेरे साथ बैठकों में, मतलब टीवी की डिबेट में बहुत बार रहे हैं इस एक साल के दौरान जब भी ये आंदोलन चल रहा है। जो मांगे पहले पहले थी वो तीन मांगे वो छोड़ करके एक मांग पे आकर के गए, जब कृषि कानून वापिस हो जाए इससे नीचे कुछ भी मानना नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक समिति का गठन करने के कहा था कि हम समिति गठन करते, किसान संगठन आए, किसान नेता आए, बैठ करके बात करें, और तब तक जो है ये किसान कानून जो है हमने निरस्त कर दिए। तो उसके बाद तो हमारी केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हम जो है डेढ़ साल दो साल तक इस कानूनों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, और किसान नेता आकर के बैठ करके बात करें, वहां पर भी बात नहीं की, माननीय उच्चतम न्यायालय के गठन पर भी बात नहीं की, और अब अगर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कानून वापस ले लिए, अब संसद के माध्यम से ही वापस होने हैं, और ज्यादा दिन भी नहीं रहे, संसद शुरू होने में 10 दिन का अधिकतम समय रह गया, तो ये विश्वास तो करना पड़ेगा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून वापस हो जाएगा, तो ये होना चाहिए। यहाँ पर स्वामी इंद्र कल से मेरे से शायद इन्होंने 3 से 4 दफा ये बात कह दी कि चुनी हुई लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, चुनी हुई सरकार है, इन्होंने ही कहा था कि 15 लाख देंगे, दिया क्या, तो वो जुमला हुआ ना, तो कहीं नहीं कहा था, कहीं नहीं कहा था, नहीं लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए विषय को अलग लेकर के जाना है, मैं उन्होंने सवाल पूछा, आप जवाब दे दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। कहीं पर मुझे बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के व्यक्ति के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख जमा करा दूंगा, उन्होंने ये कहा था उस समय भी कि जितना काला धन विदेशों में भारतीयों का पड़ा है, जिन लोगों ने भारत का पैसा बाहर, अगर वो पैसा हिंदुस्तान में आ जाए तो हर एक आदमी के खाते में, यानी कि हर एक व्यक्ति के, जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चे का आज देश में पैदा होता है तो उसके ऊपर इतना कर्जा होता है, उसी ट्यून में उसी तर्ज पर कहा गया था कि इतना 15 लाख। ठीक है सर, इतने लंबे वक्त के बाद जो ये फैसला लिया गया वाकई ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन इस फैसले से पूर्णतया संतुष्ट नहीं है किसान, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। कब तक ये डटे रहेंगे और कब आप मना लेंगे, इस पर मैं दोबारा जरूर लौटूंगी। फिलहाल वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।